क्या इंडिया के अंदर पोकेमोन कभी बैन हुआ है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स से एग्जांपल है दूसरे एनिमे सीरीज के जो कि वायलेंस के चलते बैन हो गए थे। फॉर एग्जांपल 2008 में इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सिंचेन को बैन कर दिया। हालांकि इसके अंदर कोई वायलेंस नहीं था बल्कि इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, न्यूडिटी एंड बच्चे बिगड़ रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़े टाइम बाद दोबारा से रीसेंसर होकर सिंचेन ने कमबैक कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन है, पोकेमोन के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या? एक्चुअली यस, 2016 में पोकेमोन नियरली बैन होने ही वाला था। अब क्या है मामला बताएगा मैं तुम्हें, लेकिन उससे पहले क्या तुमने ये कभी सोचा है अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर के आइकॉनिक डिजाइन को अपनी वार्डरोब में पाना? वेल, तुम्हारी ये विश पूरी हो सकती है क्योंकि एनिमे ओरा अरिना स्टोर लेके आया है एक्सक्लूसिव मंकी डी लूफी गियर 5 और भी बहुत सारे दूसरे ट्रेंडिंग एनिमे प्रिंटेड टी शर्ट जो तुम्हें एकदम फैन मोड में डाल देंगे। ये टी शर्ट सिर्फ कम्फर्टेबल नहीं बल्कि स्टाइलिश भी है और स्पेशली डिजाइन है हर एक एनिमे फैन के लिए। और ये रही खास बात, मेरी ऑडियंस के लिए स्पेशल ऑफर है। जी हाँ, तुम गुरुजी कूपन कोड का यूज करोगे तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी चेक करो animeoraarena.store को और अपने फेवरेट एनिमे से इंस्पायर्ड मर्च खरीदो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है एंड डोंट मिस आउट क्योंकि लिमिटेड स्टॉक है। तो जल्दी से अपने फेवरेट टी शर्ट को ग्रैब कर लो। और तुम्हें ये कलेक्शन कैसा लगा, अब शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं पोकेमोन के बैन के बारे में। तो एक्चुअली इसमें 4 पॉइंट है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है 2000 के मिड में पोकेमोन कुछ टाइम के लिए एयर होना बंद हो गया था। तो लोगों को लग रहा था कि अभी भी लगता है कि पोकेमोन उस टाइम बैन हो गया था क्योंकि इसके अंदर भी वायलेंस था। तो ऐसा नहीं है, इसका मेन रीजन जो था वो लाइसेंसिंग इशू था एंड लो टीआरपी के कारण उसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि कुछ टाइम बाद ये दोबारा से आया और जो कमबैक किया ना भाई, अभी पोकेमोन की लेटेस्ट सीरीज हिंदी डब में आ रही है जो कि तुम शो कर सकती हो कि पोकेमोन कभी बैन हुआ नहीं था लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण 2000 के मिड में इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसमें पर्टिकुलरली एपिसोड को बैन कर दिया गया था, वो है बैंड एपिसोड और अनएयर एपिसोड। बहुत सारे ऐसे एपिसोड है जो कि यार बाहर जापान में या फिर दूसरे कंट्रीज में अमेरिका में बैन हो गए थे, तो उसके चलते इंडिया में भी उनको कभी रिलीज ही नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलीगोन वाला एपिसोड था, तुम्हें पता होगा इसको देखकर बच्चे काफी बीमार पड़ गए थे जापान के अंदर, तो इसको हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था। डेट्स व्हाई ये किसी भी कंट्री में एयर ही नहीं हो पाया। और दूसरा एपिसोड था जेंक्स वाला एपिसोड जहां पे यार कुछ सेंटीमेंट्स हर्ट हो गए थे, तो डेट्स व्हाई इसको भी बैन कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर एपिसोड का बैन होना ऐसा नहीं है कि पोकेमोन इंडिया के अंदर ही बैन हो गया। ये एपिसोड सिर्फ इंडिया के अंदर बैन नहीं है बल्कि बाहर की कंट्रीज में भी बैन है, डेट्स व्हाई ये इंडिया के अंदर बैन हुए। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर एपिसोड नहीं है जो कि सिर्फ इंडिया के अंदर बैन हो और बाकी कंट्रीज में एयर हुआ हो। एंड थर्ड पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम हैरान हो जाओगे, तुम लोग बोलोगे पर यार ये कैसे संभव है, यानी कि 2016 के अराउंड यार पोकेमोन गो ने पूरी दुनिया में क्रेज मचा दिया था लेकिन इंडिया में इस गेम को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हुई। गुजरात हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई जिसमें कहा गया था कि गेम रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा है। ये पीआईएल इसलिए फाइल हुई थी क्योंकि गेम में एक के टेम्पलेट्स को शो किया गया था रिलीजियस प्लेसेस के अराउंड, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया ऑनलाइन मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन ये बात तो तय है कि पोकेमोन गो बैन नहीं हुआ था क्योंकि पोकेमोन गो अभी भी चल रहा है, लोग खेल रहे हैं। लेकिन हाँ, हालांकि इसका क्रेज काफी कम हो चुका है क्योंकि जब ही रिलीज हुआ था इस गेम का क्रेज काफी ज्यादा था, अभी इसकी हाइप काफी कम हो चुकी है, मर चुकी है। वैसे इसके जाने के बाद तो सब कुछ मर ही चुका है। हालांकि ये मुद्दा काफी ज्यादा गंभीर था 2016 के अराउंड एंड पोकेमोन बस नियरली बैन होने ही वाला था। हालांकि ये बच गया, लेकिन पॉइंट नंबर 4 से कोई नहीं बच पाया, पोकेमोन पूरी तरीके से बैन हो गया था। कैसे बताता मैं, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली, यानी कि तुम्हें पता होगा स्कूल में यार पोकेमोन कार्ड्स को एंड पोकेमोन के आइटम्स को बैन कर दिया गया था बिकॉज भाई यार बच्चे इसको लेके आ रहे थे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे। पर यार हम भी उनमें से एक है, हमारे स्कूल में भी पोकेमोन कार्ड्स बैन कर दिए गए थे क्योंकि इसको लेके बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, फाइट्स कर रहे थे, कार्ड्स चोरी कर रहे थे। तो यार ये स्कूल लेवल पर बैन किया गया था और ये काफी कॉमन था। आई नो तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा हुआ होगा, मेरे स्कूल में क्या मेरे घर में भी बैन था यार। यानी कि भाई यार मैं बहुत सारे कलेक्शन करता रहता था, पोकेमोन के कार्ड्स लेके आ जाता था, भाई मुझे तो वार्निंग भी मिल चुकी थी अगली बार तू कार्ड लेके आया ना, कार्ड को तो हम रख लेंगे लेकिन तू घर से बाहर हो जाएगा। तो डेफिनेटली काफी फनी मोमेंट्स रहे। सो हाँ, ये थे कुछ कंट्रोवर्सीज पोकेमोन के अराउंड जब पोकेमोन बस बैन होने ही वाले थे। और हाँ, एनिमे ओरा अरेना को चेकआउट करना, कमाल का ब्रांड है, एक बार चेकआउट करो भाई, तुम्हें मजा आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।